हेलो गाइस, आई एम इंदु, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक चारकोल फेस मास्क जो आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा एंड जो भी हमारे स्किन में डर्ट जमा हो जाती है, फेस मास्क जो है अंदर की लेयर तक जाके उस डर्ट को खींचता है, यानी उस डर्ट उससे आपको सनबर्न भी नहीं होगा, सनटेन भी नहीं होगा, ब्राइटन करेगी। एक्ने पिम्पल्स के जो दाग आ जाते हैं उसको हटाने में मदद करेगी। सो गाइस, चारकोल फेस मास्क जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, चारकोल फेस मास्क को आपको यूज करना चाहिए। सो गाइस, वीक में 2 टाइम भी यूज करोगे तो वो काफी आपकी स्किन को जो है इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन को लाइट करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, सन टैन सन बैन जो हो जाता है, जो स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसको वो दूर करेगा। और ब्लैक हेड्स हमारे नोज पे हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, लिप्स के नीचे भी हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उनको क्या है वो धीरे धीरे दूर करता है, तो वो रिमूव करता है फ्रेंड्स। तो चारकोल फेस मास्क बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको खुद आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है पहले से ज्यादा बेटर हो गई, नेचुरली ग्लो करेगी और हीरे जैसी चमक आएगी आपकी स्किन पे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी आएगी उसे भी जरूर दबाना है ताकि मेरे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे और आप मेरी वीडियोस को देख पाओ फ्रेंड्स। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स देखिए, ये एक्टिवेट चारकोल पाउडर मैं इसमें ये यूज करूंगी, आपकी जो स्किन की डर्ट होती है यानी डीपली जाके आपकी स्किन से डर्ट को ये दूर करेगा। चारकोल पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो आप चारकोल पाउडर यूज करोगे तो आपकी स्किन जो है काफी हेल्दी हो जाएगी, डर्ट फ्री हो जाएगी, यानी आपकी स्किन में जो मैल वगैरह होता है वो दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, हमें चाहिए टर्मेरिक, ओके, ये कस्तूरी हल्दी है, सो ये भी आप मंगा सकते हो, कस्तूरी हल्दी किसी भी शॉप पे मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, तो हमें कस्तूरी हल्दी चाहिए। और फ्रेंड्स, हल्दी क्या काम करती है, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और आपकी जो स्किन को ये हेल्दी बनाती है, सुंदर बनाती है। हल्दी जो है आपकी स्किन को लाइट भी करती है, तो काफी अच्छी होती है हल्दी, तो हल्दी तो हमें यूज करना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, हम करेंगे बेसन यूज, सो बेसन भी बहुत अच्छा काम करता है हमारी स्किन में, ये हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, बेसन भी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, तो बेसन यूज करूंगी फ्रेंड्स। और ये मैंने लिया है टमाटो, ओके, जिसकी स्किन को नींबू सूट ना करता है वो टमाटो भी यूज कर सकता है, ओके। टमाटो क्या है, आपकी जो स्किन में सनबर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है, ये इसको दूर करेगा, काफी अच्छा होता है टमाटर और स्किन को लाइटन बनाने के भी काम आता है, ओके। ये मैंने लिया है रोज वाटर, आप कोई सा भी रोज वाटर यूज कर सकते हैं। रोज वाटर क्या है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कैसे जो है नेचुरली रोज वाटर तैयार होता है घर पर, बड़ी आसानी से स्टीम से हम रोज वाटर जो है बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रोज वाटर बनाना बहुत आसान होता है, हम नेचुरली रोज वाटर बना सकते हैं। जो मैंने रोज वाटर बनाया था वो खत्म हो गया, मुझे बाहर का रोज वाटर यूज करना पड़े, अदरवाइज मैं रोज वाटर बाहर का यूज नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। और ये मैंने लिया है बादाम रोगन तेल यानी स्वीट आलमंड ऑयल, ओके, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। हमें क्या है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी अपने हिसाब से, आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है तो आपको ऑयल डालना है, अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आप ऑयल को स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट मेरी स्किन जो है नॉर्मल है तो मैं बहुत थोड़ा सा ही ऑयल डालूंगी। सो फ्रेंड्स, और मैंने लिया है पतंजलि का ये हनी, मुझे हनी काफी अच्छा लगता है हर पैक में अपने, क्योंकि हनी जो है आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं, अब हमें चाहिए क्लीन बाउल, अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड चारकोल एक्टिवेट पाउडर, क्योंकि मुझे ओनली फेस एंड नेक के लिए ही बनाना है, तो हाफ स्पून जो है मैं इसमें चारकोल पाउडर ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स, 1 स्पून। फ्रेंड्स देखिए, 1 स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, ओके, और इसमें हल्दी हमें इतनी ऐड करनी है फ्रेंड्स, हल्दी की क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है कि आपका फेस जो है येलो ना दिखे, ओके। तो हल्दी जो है मैं इसमें थोड़ी सी यानी पिंच बराबर यानी चुटकी जो होती है, एक चुटकी ही लूंगी, इसी के हिसाब से मैंने लिए, ओके। तो आप देख रहे हो कितनी सी हल्दी ली, आपका फेस जो है येलो नहीं होना चाहिए। 1/2 स्पून मैं इसमें हनी ऐड कर दूंगी, स्वीट आलमंड ऑयल, ये मैं कम से कम 8 से 10 ड्रॉप्स मान लीजिए ये मैं इसमें ऐड करूंगी, ओके। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ इतना ही ऑयल लिया है फ्रेंड्स, 8 से 10 ड्रॉप्स होगा ये, ओके, इसकी
सो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना मतलब ना ड्राई है ना ऑयली है, मैं इसमें इतना ही ऑयल इसमें ऐड करूंगी। बिकॉज आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप 1 स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप ऑयल को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स, और नहीं तो आप 1-2 बूंद यानी कुछ ही बूंद इसमें ऑयल डाल सकते हैं। आपके पास में स्वीट आलमंड ऑयल यानी बादाम रुगन ना हो तो आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ना हो तो कोकोनट वर्जिन ऑयल डाल सकते हैं। ओके, तो मतलब ऑयल की क्वांटिटी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही रखनी है फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन होगी और आपने इसमें ऑयल ऐड कर लिया तो काफी ज्यादा ऑयली हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। ओके, अब हम लेंगे फ्रेंड्स टमाटो, टमाटो भी बहुत अच्छा होता है। सो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, मैं क्या है बीच में से टमाटर को ऐसे फोड़ दूंगी। ओके, फिर इससे हम इसको छान देंगे। ये देखिए, ये मैंने छलनी से इसका जो जूस है टमाटर का, ये देखिए। ओके, टमाटर का जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें टमाटर का जूस ऐड कर चुके हैं, अब हमें इसमें रोज वाटर ऐड करना है। आप रोज वाटर ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मैं रोज वाटर इसमें ऐड करूंगी, रोज वाटर मैं इसमें इतना ही ऐड करूंगी जिससे हमारा जो पेस्ट तैयार हो जाए। ओके, जो अपना फेस मास्क है तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ओके, ये देखिए, तो हमें इसमें क्या है, ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया, बट थोड़ा सा हम रोज वाटर ऐड करेंगे। बनके तैयार हो गया, बस इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर लूंगी फ्रेंड्स, ताकि आसानी से लग जाए। ये देखिए, 1 स्पून मैंने इसमें रोज वाटर ऐड कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, अब क्या है, मैंने चारों को फेस मास्क जो लगाया है इसे 15 मिनट रख लिया है। ये देखिए, ऐसा सूखा है। ओके, आपको बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना है, आपको मतलब 15 मिनट ही लगाना है, 15 से 20 मिनट आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको वॉश करना है फ्रेंड्स, सो मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है, काफी हेल्दी सा लग रहा है और काफी साइन लग रही है। देखिए,